हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉली जूम इफेक्ट जो है वो किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे बना सकते हैं, और इसके लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्मार्टफोन की और काइन मास्टर की। सो गाइस, सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी वीडियो की शूटिंग। तो किस तरह से हमारी शूटिंग होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से जो है आपको अपने मोबाइल पर जो है फुल रेजोल्यूशन में जितना भी आपको सपोर्ट करे, HD हो, 4K हो, तो आपको जो इस तरह से एक जूम इफेक्ट वाला जो है शॉट शूट करना है। आप अपने फ़ोन पे जो है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर फ्रेम में रखते हुए उसको जो है पीछे से लेके आगे की ओर जो है आप एक शॉट ले सकते हैं। तो ये जो फुटेज है मैंने नेट से डाउनलोड किया है, आप कुछ इस तरह का इसमें जो है ड्रोन की मदद से जो है शूट किया गया है, और यहाँ पर जो है आगे से पीछे की ओर ड्रोन का फुटेज है। तो आपको जो इसको रिवर्स में करना है, ठीक है, तो रिवर्स करना यानी कि आप पीछे से लेके आगे तक जो है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर में रख के उस तरह का जो है फुटेज आप शूट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों चलिए हम ओपन करते हैं काइन मास्टर। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमारा काइन मास्टर ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसके बाद में अपना जो रेशियो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमारा वीडियो फुटेज है उसको हमको इम्पोर्ट कर लेना है। तो आई थिंक ये है वीडियो फुटेज, तो ये हमारा वो वीडियो फुटेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ड्रोन इफेक्ट है। तो चलिए इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको कट कर देता हूँ। तो 3 सेकंड का फ्रेम मैं ले लेता हूँ और आगे का फ्रेम जो है उसको मैं कट कर देता हूँ, यानी कि ये हमारा वीडियो फुटेज है। और जैसे कि आप तो यहाँ शूटिंग में देख सकते हैं कि इस तरह से हमने जो कैमरा में मतलब इस वीडियो फुटेज में ड्रोन की मदद से किया है। आपके पास अगर गिम्बल है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल पर स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है तो आप जो है अपने कैमरा से बढ़िया से जो है बिना ज़्यादा हिले हुए आप जो शॉट जो है शूट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों अब आता है यहाँ पर इफ़ेक्ट अप्लाई करने की। तो ये जो फुटेज है आगे से पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो हमको इसको जो है रिवर्स करना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से रिवर्स वाला जो इफ़ेक्ट है इसको हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो है हमारा वीडियो फुटेज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो वीडियो फुटेज है वो यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, यानी कि इस तरह से आ गया, पीछे से आ गया। तो इसी तरह का जो है आपको आपका वीडियो फुटेज शूट कर लेना है। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, आपका जो लास्ट वाला लाइन है लेयर में जाने के बाद में यहाँ से जो है हम एक कैप्चर अप्लाई कर लेंगे, कैप्चर इन शेप पे, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ सबसे स्टार्टिंग वाले लाइन में आएंगे। सबसे स्टार्टिंग के टाइम लाइन में जाके यहाँ से लेयर में जाके हमने जो कैप्चर किया है उसको हमको इम्पोर्ट कर लेना है और इसको हम स्क्रीन पर फिट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इसका जो ओपेसिटी है उसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो ऊपर वाला लेयर है उसको हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस वाले ग्रुप वाले ऑप्शन में आने का मैं सबसे स्टार्टिंग वाला जो फ्रेम है उसको हमको सिलेक्ट करना है और उसको हमको जो है इस तरह से जूम करके जो हमने फ़ोटो कैप्चर किया है उसके साथ हमको जो है इस तरह से मैच कर देना है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि हमारा जो वीडियो फुटेज है वो मैच हो चुका है। अब नीचे वाला लेयर को हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से जो है हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये जो है डॉली जूम इफेक्ट हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप भी अपने लिए डॉली जूम इफेक्ट जो है अपने वीडियो फुटेज के लिए बना सकते हैं। तो इसमें जो होता ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर ही रहता है, मगर जो बैकग्राउंड है वो उसमें जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि पहले जब आप वीडियो शूटिंग करे रहते हैं वो जो है ऑलरेडी जूम इफ़ेक्ट उसमें रहता है। तो इस तरह से जो है इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो है आपको क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्ले करके हमारा वीडियो फुटेज जो है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा डॉली जूम इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो गाइस, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।